और बिलाईगढ़ ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला जुनवानी में शाला प्रवेश उत्सव दिवस मनाया गया। प्रवेश उत्सव दिवस कार्यक्रम में ग्राम सरपंच भोजबाई केवट ने सभी नव प्रवेशी बच्चों को तिलक लगाकर स्वागत किया। बिलाईगढ़ ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला जुनवानी में शाला प्रवेश उत्सव दिवस मनाया गया। प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में ग्राम के सरपंच भोजबाई केवट ने सभी नव प्रवेशी बच्चों का स्वागत तिलक लगाकर किया और कार्यक्रम का संचालन शाला के प्रधान पाठक एम आर टंडन ने किया। उपस्थित जन प्रतिनिधियों ने 101 बच्चों को सरकार की निशुल्क पुस्तक स्कूली ड्रेस भी वितरण किया। शासन के निर्देशानुसार हम लोग जो है शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जुनवानी में निःशुल्क गणवेश पुस्तक दिए हैं और शाला प्रवेश उत्सव को अच्छे ढंग से मनाए हैं। बच्चों को रोज आने के लिए प्रेरित किया गया है। बिलाईगढ़ से सहदेव सिंह सिदार की रिपोर्ट, सारंगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। और छत्तीसगढ़ सौरा समाज संघ के तत्वाधान में सौरा प्रतिभा सम्मान 2018 का आयोजन अग्रसेन धाम रायपुर में किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से आए प्रतिभावान छात्र छात्राओं सहित अधिकारी व समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ सौरा समाज संघ के तत्वाधान में सौरा प्रतिभा सम्मान 2018 का आयोजन अग्रसेन धाम रायपुर में 26 जून को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केदार कश्यप ने सौरा समाज द्वारा अपने संवैधानिक अधिकार हेतु लंबे संघर्ष के दौरान सामाजिक एकजुटता और सक्रियता दिखाई, जिसके कारण आज समाज को जनजाति सुविधा प्राप्त हो पाई। वहीं सामाजिक विकास की दिशा में शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं छात्र छात्राओं का आत्मबल बढ़ाने के लिए प्रतिभावानों को सम्मानित करने के लिए यह आयोजन उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरक है। उन्होंने सम्मान समारोह में उपस्थित प्रतिभावानों को शुभकामनाएं देते हुए सभी को 2100 रुपये देने की घोषणा की। वहीं कार्यक्रम के अध्यक्ष महेश गागड़ा ने अपने उद्बोधन में समाज के लोगों द्वारा जाति समस्या समाधान के लिए समाज की सक्रिय एकजुटता के साथ अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, जिस पर डॉक्टर रमन सिंह ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पिछले 15 वर्षों से अधिक समस्या ग्रस्त छत्तीसगढ़ के 22 जनजाति एवं 5 अनुसूचित जातियों के राजस्व अभिलेखों में दर्ज मात्रात्मक त्रुटि उच्चारण विभेद शब्दों से जाति प्रमाण पत्र एवं संवैधानिक सुविधाओं से वंचित 58 लाख लोगों को विधानसभा एवं कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर संवैधानिक अधिकार की सुविधाएं दी। खुशी की बात है कि सौरा समाज जनजाति सुविधाओं की बहाली के बाद सामाजिक अग्रिम विकास की ओर प्रगति पर है। सौरा समाज युवा मन पहुँचा थे और मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि आने वाला 5-10 साल के अंदर सौरा समाज के लड़का मन, युवा युवती मन IAS, PSC, कलेक्टर, SP, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बने, ये मोर शुभकामना है। और जबकि ये समाज में जागरूकता है और जैसे अभी प्रतिभा सम्मान के लिए 200-300 के आय की उम्मीद है, लेकिन 1000 से अधिक व्यक्ति पहुँचे हैं, ये इंगित करते कि समाज कतका तेजी से विकास करते हैं। आने वाला समय में सौरा समाज बहुत तेजी से आगे बढ़े और न केवल छत्तीसगढ़ के विकास में बल्कि भारत देश के विकास में अपन के सर्वोच्च योगदान दिए। बहुत खुशी मिला भी तो अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं? जो 15 वर्षों की मेहनत के बाद, सतत प्रयास के बाद, जो समाज कई टुकड़ों में बटा हुआ था, कई जिलों में विभाजित था, वो सौरा समाज ये 14 वर्षों की पीड़ा थी, उस पीड़ा को झेलते हुए आज ये हमारी एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पूरा छत्तीसगढ़ का सौरा समाज एक मंच पे आ गया। और उसके बाद में माननीय रमन सिंह जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के प्रयास से, या कहें कि उनकी सहजता के कारण, साथ ही माननीय महेश गागड़ा जी के सतत प्रयास और हमारे समाज के जो रिकॉर्ड हम लोगों ने 15 साल तक एकत्रित किया, जो साक्ष्य दिया, उन साक्ष्यों के
आधार पर शासन ने जो हमारी मांगे माना, और भले ही देर हुई लेकिन हमारा काम हुआ और राज्य सरकार के स्तर पर हुआ, इससे हम हमारा समाज बहुत प्रसन्न है और हम शासन का आभार व्यक्त करते हैं। सर, आज ये सम्मान समारोह जो प्रतिभान बच्चे हैं समाज का, उसका आज सम्मान समारोह रखा गया था और सम्मानित किया गया है ना, तो इस टाइप से सोच आप लोगों में क्यों आया और कैसे इस टाइप के कार्यक्रम को आयोजित किए? देखिए, 14 वर्षों से जो सही में आदिवासी था, लिखावट भिन्नता, मात्रात्मक त्रुटि के कारण इनको 14 वर्षों से जब अपने संवैधानिक अधिकारों से बाहर रखा और ये जनजाति अन्य जनजातियों से सतत 14 वर्षों तक पीछे रहा, कोई सुविधाएं नहीं मिली संवैधानिक और किसी प्रकार की जो शासकीय जो सुविधाएं हैं सबसे हम वंचित रहे, आपके इंजीनियरिंग से, मेडिकल से और अन्य जितने भी फैकल्टीज हैं जिसमें आदिवासियों के लिए विशेष तौर पर संविधान में प्रावधान रखा गया है, उन प्रावधानों से हम लगातार 14 वर्षों तक के वंचित रहे। ऐसी स्थिति में ये 14 वर्ष हमारे लिए जो एक दुखद भयानक सपने की तरह 14 वर्ष हमारे समाज के लिए गुजरा, और इस 14 वर्षों की पीड़ा के बाद में हमारा समाज जो उभर के आया। आज सम्मान समारोह था सौरा समाज की ओर से, राज्य में जो सौरा समाज की प्रतिभा है उनका, उनको तो मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोगों का सम्मान माला से गुलदस्ता से किए, जीवन एक गुलदस्ता, जीवन एक गुलदस्ता, नेकी के फूल सजाएं, सत्कर्मों से अपने घर आंगन समाज को मनाएं। सर्वप्रथम तो मैं हमारे इस सौरा समाज के सभी जनप्रतिनिधियों को और सभी हमारे समाज के प्रमुखों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमारे जो प्रतिभावान छात्र छात्राओं का, विद्यार्थियों का आज यहाँ पर उनका सम्मान रखा है। निश्चित तौर से इस सम्मान के माध्यम से हमारे बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, और जो बच्चे अपने सपने प्राप्त करना चाहते हैं, समाज यदि साथ होता है तो बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सरलता हासिल करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे आयोजनों से हमारे बच्चों का उत्साह उत्पन्न होता है और बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से जुटते हैं। मैं उन सभी विद्यार्थियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूँ, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, टारगेट को अचीव करें, और अपने माता पिता के, अपने सभी समाज के लोगों का, हम सभी के सपनों को प्राप्त करें, जो हमारे समाज के में भी प्रतिभावान क्षमतावान बच्चे हैं उनको यदि अवसर दिया जाए, उचित मंच दिया जाए, तो वो बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर अमन सिंह जी ने, चाहे वो प्रयास के माध्यम से हो, करियर गाइडेंस के माध्यम से हो, चाहे वो दिल्ली के ट्रैवल फाउचर के माध्यम से हो, उत्कर्ष योजना के माध्यम से हो, आस्था के माध्यम से हो, इन सारी योजना के माध्यम से हमारे आदिवासी समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की है, और जिसके कारण से बच्चे अब UPSC एग्जाम तक की तैयारी कर रहे हैं। हमारे बच्चे आज IIT में सेलेक्ट हो रहे हैं, मेडिकल में सेलेक्ट हो रहे हैं, MSc में सेलेक्ट हो रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, और हमारे बच्चे अब आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। बिलाईगढ़ से सहदेव सिंह सिदार की रिपोर्ट।